अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, यू आर ऑन एयर। हेलो, जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, फरमाइए। हज़रत जी से बात हो सकती है? जी जी सुन रहे हैं आपकी बात, बोलिए आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू सलाम, तमाम रहम टीवी की टीम को। माशाल्लाह। मैं सबसे पहले तो आपको कहना चाहूंगी कि आप बड़े लकी हैं कि हजरत जी के साथ रहते हैं आप। बड़ा शर्फ इनको आपको मिलता है उनका। तो इसमें कोई शक नहीं है। हम भी गुनाहगार बंदे, अल्लाह ताला इनका हमारे तक भी पहुंचाए, इनकी रहमतें बरकतें हमारे तक भी पहुंचाए। हजरत जी से मैंने कहना था, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे आपके तवसत से अल्हम्दुलिल्लाह 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 मेरी गोद भरी है। मैंने आपके लिए, बेटे के लिए वजीफा आपसे पूछा था, अल्लाह का शुक्र है आपने आपने बताया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गोद भरी है। मैं चाहती हूँ कि आप उसका नाम भी आप तजवीज करें ताकि एक आपके साथ हमारा कनेक्ट कनेक्ट रहे हम, और आपकी बरकतें और जो है हमारे तक पहुंचती रहे। अल्लाह ताला आपको जिंदगी से तंदुरुस्ती वाली अता करे, अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे से तंदुरुस्ती वाली, और आप हमारे हम आपके साथ इसी तरह जुड़े रहे, हमारी आने वाली नस्लें आपके साथ जुड़ी रहे इसी तरह। बहुत अल्लाह शुक्रिया, हाफिज। बहुत शुक्रिया। वाह, बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। माशाल्लाह, खूबसूरत कॉल। माशा, कोई एक कॉल ऐसी आ जाती है कि हमें एक जिंदगी नई मिल जाती है, नई रूह मिल जाती है। आप इस कदर इजहार मोहब्बत करते हैं, इतना रिगार्ड देते हैं, ये सब मेरे अल्लाह की लुत्फ इनायत, मेरे बुजुर्गों की, मेरे वालदैन की दुआएं हैं। बस हम शुक्र गुजार होते हैं कि अल्लाह ताला ने आप हज़रात के दिल में इतनी मोहब्बत अकीदत डाल रखी है, और ये दुआ करते हैं कि इस्तकामत के साथ अल्लाह हमसे काम लेता रहे। और इंतहाई मुसर्रत हुई, और दिल से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ने आपकी गोदहरी की और आपको बेटे की दौलत से नवाजा है। अल्लाह तो उसको नेक साले बनाए और उसको ज़ाहरी बातनी दौलतों से मालामाल बनाए, और अपने वालदेन की आंखों की ठंडक बने, और अल्लाह तबारक व ताला उसको दीन का दाई और दीन दुनिया के उलूम का जो है पूरा माहिर बनाए, ताकि दीन दुनिया के अंदर उसको खूब नाम और जब वो अच्छे काम की तौफीक नसीब हो। और बाकी नाम का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो मुझे बात याद आ गई, हमारे पीर व मुर्शिद मेरे वालिद नस्बती हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उनसे बस औकात कोई शख्स पूछता था कि हज़रत कोई अच्छा सा नाम बता दें जो आपको अच्छा लगे, अच्छा सा नाम बता दें तो हम बच्चे का नाम रखना चाहते हैं। तो हज़रत मुस्करा के फरमाते, भाई मुझे तो अपना ही नाम सबसे अच्छा लगता है, मुझे तो अपना ही नाम सबसे अच्छा लगता है। तो ज़ाहिर है कि समझदार लोग समझ जाते थे, तो फिर अपने बच्चे का नाम मोहम्मद यूसुफ़ रख लेते थे। तो बात वही है, इसी पर इजहार तफन्नुन के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि मुझे तो अपना नाम ही सबसे अच्छा लगता है, तो ज़ाहिर मेरा नाम जो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का नाम है, तो इसलिए मुनीर भी आपका नाम है, आपका वसफ आहमद भी आपका नाम है। इसलिए बस आपकी मोहब्बत को देखते हुए मैं ये कहूँगा कि मुझे तो अपना नाम सबसे अच्छा लगता है, तो आपको भी अच्छा लगे तो यही नाम रख दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।